एक बार फिर स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। देखिए, दिल्ली की एक ऐसी चोरी जिसने सभी को हिला दिया है। ये चोरी 1-3 करोड़ की नहीं थी बल्कि पूरे 25 करोड़ की थी, जिसके बाद शुरू हुए ज्वेल थीफ को धर दबोचने की तैयारी। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पच्चीस करोड़ की ज्वेलरी कैसे पकड़ी गई चोरी? दिल्ली टू दुर्ग तलाश, सबसे बड़ी तहकीकात। मास्टरमाइंड की कुंडली, सबसे बड़ी मिस्ट्री। पच्चीस करोड़ का किंग पिन, ऑपरेशन ज्वेल थीफ का सस्पेंस। और आखिरकार दिल्ली में हुई सबसे बड़ी चोरी का खुलासा हो ही गया है। दिल्ली के भोगल इलाके के एक शोरूम में 25 करोड़ की ज्वेलरी की चोरी हुई थी। 25 सितंबर को जब इस चोरी की खबर लगी तो हड़कंप मच गया। दिल्ली पुलिस की कई टीम इस बड़ी चोरी की तहकीकात में जुटी थी, लेकिन इस चोरी को अंजाम देने वाला मास्टरमाइंड 3 दिन बाद छत्तीसगढ़ में पकड़ा गया। लेकिन कैसे, इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। जिस चोरी की वारदात ने दिल्ली में सनसनी फैला दी, जिस शातिर दिमाग चोर ने दिल्ली पुलिस की नींद उड़ा दी थी, आखिरकार वो ज्वेल थी पुलिस के गिरफ्त में आ ही गया। पच्चीस करोड़ की ज्वेलरी चोरी का पूरा खेल खुल ही गया। 1250 किलोमीटर दूर तहकीकात का रूप, 1000 सीसीटीवी कैमरा फुटेज की पड़ताल, फोन सर्विलांस से संदिग्ध की तलाश, छत्तीसगढ़ के ठिकानों पर पुलिस की रेड, मास्टरमाइंड के खेल का बड़ा खुलासा। एक ज्वाइंट ऑपरेशन में हम लोगों ने ये जो है आरोपियों को पकड़ा। आरोपी जो लोकेश श्रीवास का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, 14 मामले के अलावा 2 बार और पूर्व में वो जेल जा चुका है। ऑपरेशन ज्वेल थीफ की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं, और इस कहानी का एक अकेला किरदार वो शख्स है जिसने दिल्ली से दुर्ग तक पुलिस के पसीने छुड़ा दिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।